हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल श्यामली एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडेज वीडियो इज अगेन अबाउट अर्बेनिक हॉल। फिर से नया अर्बेनिक का मेरा कलेक्शन आ गया। सो इफ़ यू आर रेगुलर ऑन माय चैनल देन होप यू हैव आइडिया टिल नाउ दिस मच दैट हाउ मच आई लव द अर्बेनिक कलेक्शन, द क्वालिटी, द डिज़ाइंस, एवरी सिंगल थिंग। ऑल्सो देर आर फ्लॉज एज वेल। इट्स एब्सोल्युटली वॉट एवर हैज़ समथिंग गुड इन इट डेफिनेटली हैज़ सम फ्लॉज। So I'm gonna show you each and every single stuff, also whatever the problems I faced regarding that. So शुरू करते हैं आज का वीडियो। Let's start with the video. So the first product is this Simplicity bra top, and these tops like bretelle top, bra tops and vest tops are in trend now these days very much. So मुझे ये collection बहुत पसंद है क्योंकि जो उसका cloth है वो है satin. Let me check what cloth has mentioned in the description, but it's satin actually, so it's giving me very soft and smooth feel. तो मुझे also a shiny texture, तो मुझे इसलिए ये बहुत पसंद आया। और इसमें दो कलर अवेलेबल थे, ब्लैक एंड वाइट। तो मैंने फर्स्ट ब्लैक ऑर्डर किया, आई वॉज लाइक कि वाइट समथिंग आई है। फिर मैंने ब्लैक पर ट्राई किया और मुझे बहुत पसंद आया, तो वाइट को मैं ट्राई ना करूँ ऐसा कैसे हो सकता है ना। अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे होंगे तो आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा कि वाइट तो डेफिनेटली जाना ही जाना है। सो येस, मुझे ये जब डिलीवर हो गया मुझे ये मटेरियल बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने इसमें वाइट भी ऑर्डर कर लिया। दे बोथ आर इन सेम साइज़, आई गेस फ्री साइज, लेट मी चेक। येस, देयर इज़ ओनली सिंगल साइज अवेलेबल, दैट इज़ वन साइज एंड ओनली टू कलर्स अवेलेबल, ब्लैक एंड वाइट। तो मैंने दोनों ही ऑर्डर कर लिए है और ये बहुत ही प्रिटी लगता है पहन के। येस, इट्स मटेरियल गिवन इज पॉलिस्टर, बट आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ पॉलिस्टर इट इज। दिस लिटरली गिविंग मी साटिन स्मूथ फील और मुझे बिल्कुल साटिन कपड़ा ही लग रहा है। सो सी इन द साइड चार्ट इट इज मैंशन लाइक इट्स बस साइज इज 24.4 एंड वेस्ट साइज इज 22.8, बट आई डोंट एग्री विद दिस साइज बिकॉज द साइज इज कम्प्लीटली फिटिंग मी। माई साइज इज 32 एंड इट इज कम्प्लीटली यू नो परफेक्ट फॉर माई साइज। ऑल्सो इफ यू आर बिट हेल्दियर देन मी, लाइक योर साइज इज 34 एज वेल, देन इट्स बिट स्ट्रेची ऑल्सो, सो इट विल बी कम्प्लीटली गो विथ योर साइज। सो येस, बढ़ते अगले प्रोडक्ट की तरफ। सी द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई ऑर्डर विद दिस ब्लैक कलर टॉप वॉज अ पैंट दैट इज सिंप्लिसिटी फ्लेयर लैक पैंट, और इन द यू नो इमेज इट्स कम्प्लीटली लुकिंग लाइक अ पैंट लाइक जीन समथिंग। इट्स अ प्रिंटेड पैंट, अ ब्लैक कलर पैंट विच हैज़ अ हर्ट वाइट हर्ट प्रिंट्स एंड इट्स लिटरली लुकिंग सो अमेजिंग, बट इन रियलिटी वॉट आई रिसीव वॉज जस्ट लाइक अ लोअर फॉर सम ट्रैक पैंट्स लोअर काइंड ऑफ थिंग मटेरियल वॉज दैट, एंड इट वॉज लिटरली नॉट वॉट आई एम सीइंग ऑन द ऐप। So I returned that, but before return I absolutely captured a video for you guys for the review. So let me show you that. Yes, I ordered it in S size, but size तो fitting का था, लेकिन जो दिख रहा है मैं दैट इज़ एब्सोल्युटली लाइक अ पैंट एंड व्हाट आई रिसीव्ड वाज लाइक अ लोअर समथिंग काइंड ऑफ थिंग। जो ट्रैक सूट के पैंट्स नहीं होते हैं बहुत ही नायलॉन, या नायलॉन इज द मटेरियल, तो वैसा ही था। बट मुझे लगा कि मुझे जो रिसीव होगा वो समथिंग पैंट जैसा इसमें दिख रहा है, बट मुझे जो रिसीव हुआ दैट वॉज नॉट पैंट, दैट वॉज लोअर काइंड ऑफ थिंग, सो आई रिटर्न दैट। नेक्स्ट वन इज अगेन पैंट, बट दिस टाइम थैंक गॉड आई रिसीव्ड द सेम प्रोडक्ट व्हाट आई ऑर्डर्ड। दिस वन आई ऑर्डर्ड विद दिस वाइट टॉप, और आई ऑर्डर्ड इट बिकॉज आई थॉट इट विल बी अ नाइस पेयर, लाइक इट विल बी परफेक्ट कॉम्बो, एंड लाइक प्रिंटेड पैंट्स आर समथिंग विच आर इन वेरी ट्रेंड नाउ दिस डेज, सो आई थॉट टू ऑर्डर वन फॉर माई सेल्फ एज वेल बिकॉज कैन यू सी द प्रिंट, लाइक इट्स लिटरली अमेजिंग, सो आई थॉट आई शुड ग्रैब दिस फॉर माइन। इट्स साइज इज एस एंड कलर इज डेनिम ब्लू, लेट मी चेक। देर इज ओनली सिंगल कलर अवेलेबल इन दिस दैट इज डेनिम ब्लू एंड इट्स साइज इज एस। आई ऑर्डर फॉर माई सेल्फ, बट देर आर थ्री मोर साइजेज एज वेल गिवन, एम एल एंड एक्सएल, लेट मी चेक द एस साइज। या अकॉर्डिंग टू इट्स ऐप द एस साइज इज वेस्ट 26.8 एंड हिप्स आर 37, तो मैंने ये ट्राई किया और मुझे परफेक्टली आया,
मतलब मुझे कहीं से लूज एंड ऑल नहीं लग रहा, बहुत टाइट भी नहीं लगा है, परफेक्टली नॉर्मल कंफर्टेबल फिट दे रहा है मुझे, तो मुझे काफ़ी पसंद आया और आई थॉट कि दिस कॉम्बो विल बी रियली नाइस, सो यस आई ऑर्डर्ड इट. ऑल्सो लेट मी चेक द मटेरियल, या मटेरियल इज कॉटन, इन द ऐप इट्स मैंशन कॉटन एंड येस दिस इज क्वाइट समथिंग कम्फर्टेबल काइंड ऑफ थिंग, इट्स कॉटन ओनली. तो कॉटन कपड़े में ऐसा होता है कि धोने के बाद कलर फेड हो जाता है, बट आई डोंट नो वॉट इज़ द सिनारियो विद दिस, क्योंकि मैंने अभी तक इसको एक बार सिर्फ ट्रायल के लिए पहना है, तो धोने के बाद पता चलेगा वॉट इज़ द एक्चुअल कंडीशन. बट एक्चुअली अर्बैनिक इज़ अ रियली गुड ब्रांड और इसका यू नो मटेरियल क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद आता है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा इस केस में, बट स्टिल सिंस इट्स अ कॉटन क्लॉथ सो वी कांट से एनीथिंग. ओके सो नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल वेस्ट स्वेटर, लाइक दिस इज अ सेंडो स्वेटर और नाउ दिस डेज आई गेस दिस इज ऑल्सो इन वेरी ट्रेंड. लाइक इन विंटर वी ओनली केयर अबाउट आर प्रोटेक्शन, बट वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट आर स्टाइल, लाइक वी शुड कैरी द स्वेटर इन सच वे दैट गिव्स रियली अमेजिंग स्टाइल, लुक्स बिट क्लासी एंड क्यूट ब्यूटिफुल समथिंग. सो आई ऑल्सो थॉट टू ऑर्डर इट, बट इट्स आई गेस साइज इज अगेन वन साइज, यस इट्स ऑल्सो इन वन साइज, बट काफ़ी सारे ऑर्गेनिक के वन साइज प्रोडक्ट मुझे अच्छे से हो जाते हैं, सो आई थॉट कि ये भी मुझे हो जाएगा, बट नो दिस साइज इज रियली बिट लूज, बट इट्स ओके, मैं डेफिनेटली इसके अंदर कुछ पहनूंगी, ऊपर से पहनूंगी, और ये एज अ अपर ही है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग वॉट इज बेसिक, मैं जो इसको कम्प्लीटली पहनूंगी, इट्स ऑब्वियसली आई थिंक आई विल कैरी इट विथ हाई नेक, लाइक ब्लैक कलर के हाई नेक के साथ तो परफेक्टली जाएगा और बहुत प्रिटी दिखेगा, तो उसके साथ में इसको पहनूंगी शायद, प्लस डेनिम ब्लू जीन्स एंड अ परफेक्ट बेल्ट, तो ये लुक परफेक्टली बहुत ही प्रिटी लगेगा, सो आई थॉट टू ऑर्डर इट. और इवन दो इट्स अ बिट लूज आई एम ओके, क्योंकि दिस इज स्किंडा अपर तो चलता है. एंड येस दिस इट्स कलर इज एप्रिकॉट, देर आर फाइव नो 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 देर आर सिक्स कलर्स अवेलेबल, ब्लू वाइट एप्रिकॉट ब्राउन ग्रे एंड ब्लैक, एंड देर इज ओनली वन साइज. मटेरियल इज एक्रिलिक फाइवर, ऑल्सो देर आर रिव्यूज गिवन विथ इट, तो मैंने रिव्यूज में देख के ही लिया, तो मुझे जैसे मतलब मुझे सिर्फ ये चेक करना था कि कलर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा ही है क्या, यस ये जैसा दिख रहा है वैसा ही है, ये ऊनी टाइप ऑफ क्लॉथ ही है तो ये काफ़ी वार्म फील देगा, तो क्योंकि ये ऊनी टाइप ऑफ क्लॉथ है तो वो उनके बारीक बारीक रेसे दिखते हैं वो इसमें दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि रफ या यू नो खराब दिख रहा है, नो अच्छा दिख रहा है, बट द रेसे जो होते हैं ना उनके ऊनी कपड़ों में वैसा दिख रहा है, ये पिक में तो नहीं समझ आता है, तो पिक में मुझे लगा कि ये नॉर्मल कपड़े वाले जे टाइप के जो आते हैं स्वेटर ही समथिंग वैसा होगा, बट नो दिस इज एक्चुअल वूल समथिंग, सो या ओके. सो नेक्स्ट इज समथिंग आई हैव इज रोज रेड कलर ब्लेजर, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया था, ये पिक्चर में बहुत ही प्रिटी दिख रहा था, और पर प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो मटेरियल है वो है कॉटन, मुझे लगा कि इवन दो इट्स अ कॉटन ये कितना ही रफ दिखेगा, मेरी मॉम मुझे पहले बोल रही थी ऑर्डर करने से पहले कि नहीं वो उतना क्लीन फिनिश नहीं देगा क्योंकि इट्स अ कॉटन, और वही हुआ मेरे साथ. लाइक व्हेन आई रिसीव द प्रोडक्ट मैंने ट्राई भी करके देखा, मैं वीडियो अटैच कर देती हूँ इधर, तो मैंने ट्राई भी करके देखा, लाइक फ्रंट साइड से जो है इसमें एटलीस्ट शोल्डर साइड पे कुछ फोम वगैरह आया था प्रॉपर, ताकि वो यू नो अपनी शेप में रहे प्रॉपर, बट जो बैक साइड से वो बिल्कुल पतला सा कपड़ा था, और प्रॉब्लम ये कि ये बिल्कुल कपड़ा पतला कपड़ा होने की वजह से उसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा नहीं आता, लाइक मैंने उसे पहनने से पहले मुझे लगा मैं उसको आयन करके पहनूंगी तो शायद वो इवन फिनिश देगा, लेकिन आयन करके पहनने के बाद भी वो इवन फिनिश नहीं दे रहा था, मतलब कि आगे से मैं उसको एटलीस्ट यू नो थोड़ा सा कपड़ा डबल डबल लेयरिंग है कपड़े की तो थोड़ा स्मूथ फिनिश देगा, लेकिन बैक साइड से वो क्लियरली दिखेगा, और आगे से थोड़ा बहुत ना आप अपना बैग टांगते हो या आपके बाल लंबे हैं तो हो जाता है मैनेज, प्रॉपरली बैक साइड से वो क्लियर दिखता है और वहीं सिंगल लेयरिंग है तो वो स्मूथ फिनिश नहीं देगा. सो आई रिटर्न दैट, आई ऑर्डर्ड इन एम साइज, तो मुझे फिटिंग सही आई थी, जैसा मैं पहनती हूँ मुझे फिटिंग बिल्कुल सही आई थी, बिल्कुल लूज़ नहीं आया था, रोज रेड सेम कलर रिसीव हुआ था, हाँ पिक में थोड़ा डार्क दिख रहा है मुझे, थोड़ा लाइट रिसीव हुआ था, बट ड्यू टू इट्स कॉटन आई रिटर्न, बढ़ते अगले प्रोडक्ट की तरफ. सो नेक्स्ट आई हैव दिस बटन फ्लोअर ब्लाउज, लाइक इट्स नेम इज बटन फ्लोअर ब्लाउज, बट इट इज़ बेसिकली अ वन स्लीव टॉप, लाइक इट्स वन साइड इट्स किंडा ऑफ शोल्डर समथिंग, बट इट हैज़ ओनली वन स्लीव विच इज़ राइट लेफ्ट साइड विच इज़ लेफ्ट साइड, इट डजेंट हैज़ राइट स्लीव, सो दिस इज समथिंग अ वन साइड ऑफ शोल्डर टॉप, एंड द फिटिंग इज रियली नाइस, बट इट्स किंडा बिट लूज फ्रॉम दिस पोर्शन, लाइक इसका जो बटन वाला पार्ट है वो उसका बैक साइड में है, और आगे से ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर यू नो कुछ चुन्नट वाला डिज़ाइन भी है, बट ये जो सेक्शन है ना ये वाला आई थॉट कि उन्होंने शायद इसलिए इसको थोड़ा सा लूज रखा है क्योंकि किसी का यू नो बस साइज थोड़ा सा हैवी होता है. आई ऑर्डर्ड इट इन आई गेस एस साइज,
यस आई ऑर्डर्ड इट इन एस साइज, और एस साइज इनका जो साइज चार्ट में मेंशन है वो है 34. ओके सो दैट्स व्हाई आई गेस इट इज़ बिट लूज, क्योंकि मेरा 32 है और दिस इज 34. तो प्रॉब्लम ये है कि बाकी मुझे परफेक्ट फिटिंग आ रही है, मुझे कहीं से भी यू नो कम ज़्यादा फिटिंग का अजीब सा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस मटेरियल आई गेस कॉटन मटेरियल इज पॉलिस्टर, बट ये कॉटन जितना ही पतला है और सॉफ्ट और स्मूथ भी है, मतलब कुछ ऐसा चुभने जैसा प्रोडक्ट नहीं है, इट्स वेरी स्मूथ और कम्फर्टेबल. लेकिन ये जो सेक्शन है आई गेस ये 34 की वजह से शायद बड़ा है, तो मुझे ये पोर्शन में थोड़ा सा बड़ा आया, तो पहनने के बाद मुझे लगा कि मैं साइड से इसको अगर पिनअप करूँगी तो मुझे परफेक्टली आएगा, और यस ये मुझे परफेक्टली यहाँ से लूज़ होने के अलावा बाकी परफेक्टली आया. ऑल इन दैट साइड इट इज़ ओनली अवेलेबल इन सिंगल कलर विच इज़ ब्लू, सो इट इज़ अ बेसिकली ब्यूटीफुल सा चेक्ड पैटर्न ब्लू एंड वाइट समथिंग. मुझे यूजुअली चेक्ड और साइड पैटर्न पसंद नहीं आते हैं, लेकिन इसको जब मैंने देखा तो आई वॉज लाइक यू इट्स लिटरली लुकिंग अमेजिंग. केवल यहाँ इस पोर्शन से अगर मैं इसको पिनअप करूँगी तो परफेक्टली जाएगा, रेस्ट इज़ एवरीथिंग फाइन, और मुझे ये फिटिंग में अच्छा लगा प्लस कम्फर्टेबल भी है. ओके सो जो फॉर द नेक्स्ट थिंग आई लिटरली हैव दिस पिटारा, देर आर लॉट इन दिस, सो लेट मी पिक वन बाय वन. सो फर्स्ट वन अगेन आई हैव दिस अगेन दिस सिंप्लिसिटी ब्रा टॉप. सो दिस इज इन किंडा, सेम डिज़ाइन बट नॉट इन सेम पैटर्न, इट्स पैटर्न इज डिफरेंट, सेम डिज़ाइन एज दैट ब्लैक एंड वाइट वन, बट इट्स डेफिनेटली हैज़ अ डिफरेंट पैटर्न. इसका जो कपड़ा है ऊपर से दिस वन इज़ पैडेड एंड वो दोनों भी पैडेड थे, तो इसका जो कपड़ा है वो दैट इज़ समथिंग कॉल्ड नेट वाला समथिंग प्रोडक्ट. बट बैक साइड से भी इसमें डबल लेयरिंग है, ऐसा नहीं कि इसमें सिंगल लेयरिंग हो, बैक साइड से भी डबल लेयरिंग है, और फ्रंट में आई गेस सिंगल लेयरिंग है क्योंकि इसमें पैड्स दिए हुए हैं, तो ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंसी का इशू नहीं है. और मैंने पहन के ट्राई किया है, बहुत अच्छा लगा, बट द ओनली इशू इज़ कि जो पिक्चर में कलर दिख रहा था वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाजरी कलर दिख रहा था, और मतलब दैट वॉज लिटरली लुकिंग समथिंग रियली अमेजिंग, बट इन रियलिटी कलर इज बिट लाइट, मतलब पिक्चर में जो डार्क दिख रहा है वैसा डार्क नहीं है, थोड़ा लाइट कलर है. सेम हैपन विथ मी विद द येलो, मतलब मुझे फर्स्ट येलो कलर पसंद आया था. इसमें 5 कलर्स अवेलेबल हैं, वाइट, रेड, ब्लू, येलो एंड मिंट. मिंट इज समथिंग ग्रीन काइंड ऑफ थिंग, लाइट ग्रीन. सो ये ओनली सिंगल साइज में अवेलेबल है, वन साइज, तो इसका फिटिंग अगेन मुझे ब्लैक और वाइट की तरह सही आया, बट द ओनली इशू इज़ कि इसका कलर लाइट है, सो आई थॉट टू रिटर्न इट. और मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बैठी थी, मैं वीडियो बनाने के बाद इसको रिटर्न कर दूंगी. मैं येलो का भी सोची, बट येलो मैंने एक्चुअली एक स्कर्ट और ऑर्डर किया है, उसके साथ पेयरअप करके ऑर्डर किया है, तो मुझे लगा कि वो कम्प्लीटली एक परफेक्ट आउटफिट बनेगा, और मैंने पहन के देखा वो लिटरली बहुत प्रिटी लग रहा था, तो आई थॉट टू रिटर्न बोथ स्कर्ट प्लस टॉप, बट फिर मुझे लगा कि नहीं मेरा अच्छा सा पेयर बन रहा है. यूजुअली यू नो रैंडम पिक से पेयर इजीली नहीं बनते हैं, सो आई वाज लाइक आई शुड नॉट रिटर्न दैट, बट ये मुझे लग रहा है कि मुझे रिटर्न कर देना चाहिए, क्योंकि मैं सेम तरीके के दो टॉप का क्या करूँगी, और उसका कलर जैसा मैंने सोचा था वो नहीं आया, तो फिर मैं क्या करूँगी इसका. सेम विथ येलो, लेट मी शो यू, पिक का जो कलर था वो डार्क था और ये जो है थोड़ा लाइट है, बट इतना बुरा नहीं दिख रहा है क्योंकि येलो कलर समथिंग कॉल्ड लाइट इट्सेल्फ, तो इट्स ओके ओके थिंग. द मटेरियल इज पॉलिस्टर, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में देखती हूँ उसके पॉलिस्टर ही लिखा होता है, बट वैन आई रिसीव द प्रोडक्ट तो हर किसी का मटेरियल मुझे पॉलिस्टर में हो सकता है, काफ़ी सारी वैरायटीज आती हो कपड़े की, मुझे फैब्रिक का इतना आइडिया नहीं है. सो या सो द स्कर्ट इज दिस वन, ये पिक में थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही थी कलर वाइज भी, और इसका जो डिज़ाइन है इस पर जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स बने हुए वो सिर्फ यू नो गोल और चपटे ही थे, चपटे टाइप में, लेकिन इस जो स्कर्ट रिसीव हुई है मुझे उसमें यू नो जो ब्लैक कलर का डिज़ाइन बना उसमें कुछ यू नो साइड से जैसा कुछ ख़राब नहीं हो जाता, कुछ पटाखा टाइप फूटता है तो कुछ अलग से रेसेस वैसा कुछ अलग से डिज़ाइन है, तो इसमें वो भी है. ऑल्सो ये वन साइड से ओपन है, वन साइड से कट वाली स्लिट वाली बहुत चल रही है आजकल. यस ये लेफ्ट साइड से स्लिट है इसमें, तो मैंने पहन के इसके साथ येलो वाले के साथ पेयर किया है, लिटरली बहुत अमेजिंग लग रहा है, और ये बिल्कुल यू नो आप बीच पार्टी के लिए परफेक्टली रेडी हो जाओगे इसके साथ. बट लेट मी चेक द डिटेल्स, या इट्स नेम इज स्प्लिट स्लिट स्कर्ट एंड 3 कलर्स आर अवेलेबल, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्राउन. तो मुझे ब्लैक कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था जो इसमें दिख रहा है, बहुत ही प्रिटी दिख रहा है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसका ग्रीन भी जो दिख रहा है वो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि डिफरेंट है, सेम है, बट कई ओके. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज दिस ब्यूटिफुल बोनिंग बैंड्यू वेस्ट टॉप. सो दिस वॉज ऑन ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री, एंड दिस वॉज इन माई कार्ट सिंस लास्ट आई थिंक 1.5 months. तो मुझे था कि मुझे खरीदना है, बट मुझे एक्चुअली मुझे रेड वाला बहुत पसंद आ रहा था, और उसके साथ मैंने दूसरा टॉप भी पेयरअप किया हुआ था, क्योंकि देयर वॉज एन ऑफर बाय वन गेट वन फ्री. तो उसमें ऐसा होता है कि आप कुछ सपोज 1000 rupees का प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो और उसके साथ आप 500 का प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, तो वो दोनों चीज़ आपको 1000 में पड़ेंगी, ऐसा है, मतलब कि उनका
ऑन एन एवरेज नहीं निकलेगा, जो भी या 50% भी ऑफ होता है तो ऑन एन एवरेज नहीं निकलेगा उन दो चीज़ों में। जो जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी ना, वो उसके बेसिस पर उनका डिस्काउंट चलता है। मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। फोटो में जो है वो बिट मरून दिख रहा है, रियल में जो है वो ब्यूटीफुल सा मखमली सा रेड है, तो मुझे ये भी पसंद आया। एंड देयर आर 3 कलर्स अवेलेबल, रेड, ब्लैक एंड वाइट, और 4 साइजेस आर अवेलेबल, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो मैंने जो है स्मॉल ऑर्डर किया है, विच इज 27.6 बस्ट एंड 25.2 वेस्ट। तो जो ऐसे वाले टॉप होते हैं ना, उनको कुछ भरोसा नहीं होता है। कई बार कैसा होता है, उनका साइज़ कम भी हो सकता है और कई बार ज़्यादा भी हो सकता है। तो मुझे लगा कि मुझे ट्रू टू साइज़ आना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल का साइज़ बस्ट ही 26 था और -32, तो आई वॉज लाइक मुझे तो नहीं आने वाला है। बट स्टिल मैंने ये ट्राई किया, मुझे रेड वाला जो है वो परफेक्टली आया। लेकिन जो ब्लैक वाला है, इट्स ऑल्सो इन एस साइज़, ये मुझे थोड़ा सा ये वेस्ट चेस्ट साइज़ से मुझे थोड़ा सा लूज लगा। देन आई वॉज लाइक इट्स ओके, मतलब ये मटेरियल भी थोड़ा सा स्ट्रेची है, तो आई वॉज लाइक इट्स ओके। मैं डेफिनेटली इसको नॉर्मली तो कैरी करूँगी नहीं, डेफिनेटली ब्रा के साथ कैरी करूँगी, और पैडेड ब्रा के साथ ही अमेजिंगली परफेक्ट स्मूथ देगा, परफेक्ट फिटिंग देगा, क्योंकि डेफिनेटली पैडेड ब्रा जो होती है उनको भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। तो उसके बाद जो फिटिंग आती है आप ऊपर से टॉप पहनते हो, वो अलग ही आती है। सो आई थॉट कि ये हो जाए, क्योंकि अगर मैं एक्सचेंज फैसिलिटी अर्बैनिक नहीं देता है और रिटर्न फैसिलिटी में जाऊंगी, तो मुझे फिर से बाय वन गेट वन पर जाना पड़ेगा और इसकी पूरी प्राइस देनी पड़ेगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। बाय वन गेट वन में मुझे फिर से एक टॉप ऑर्डर करना पड़ेगा, तो मैं क्यों बेकार में अपना स्टफ पड़ा हूँ। सो आई वॉज लाइक आई विल मैनेज, या इट्स मटेरियल इज पॉलिस्टर। या नेक्स्ट वाला जो टॉप है, दैट इज़ रियली अमेजिंग डील। हाँ, मतलब मैंने सब, अभी दिवाली का ऑफर चल रहा था, तो उन्होंने एक महीने तक आएगा से उनका दिवाली ऑफर चल रहा था, दिवाली 01, दिवाली 02, दिवाली 03, उन्होंने 3 स्टेजेस में कूपन कोड्स निकाले थे। तो जो नॉर्मल उनका कूपन कोड ऑफर रहता है कि 1000 पे आपको 100 ऑफ मिलेगा, 2000 पर 250 और 3000 पर 450 ऑफ मिलेगा, उसका कुछ ज़्यादा मिल रहा था। मतलब उनका जो 150 आई गेस शायद ऑफ मिल रहा था 1200 के परचेज पर, शायद 150 या 200 ऐसे ही कुछ था, मुझे याद भी नहीं है, 150 था शायद। और 2000 की परचेज पर उनका प्राइस बढ़ के शायद 300 हो गया था, और 3500 पर शायद उनका कुछ 700 समथिंग या 600 पहले ऑफ दे रहे थे, फिर 700 हो गया था, ऐसा कुछ था। तो उन दिवाली 02 वाले में समथिंग, तो ऐसे उनके 3 स्टेजेस में कोड चले थे। तो यहाँ पर ये वाला जो टॉप है, दिस इज लिटरली अमेजिंग। ये काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पर भी ट्रेंड में चल रहा है और मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने काफ़ी टाइम से मेरी विशलिस्ट में था। और इसका जो प्राइस है, दैट इज़ 890, बट मुझे इस पर दो ऑफर अप्लाई हुआ, कैन यू इमेजिन। क्योंकि कभी कभी ना अर्बैनिक अभी इस टाइम पर काफ़ी सारे चल रहे हैं कि मॉर्निंग 10 टू लेके शायद उनका 24 आवर्स का सेल रहता है या 12 आवर्स का, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कि 20 सुबह मॉर्निंग 10 बजे से सेल स्टार्ट होती है और रात को फिर जो भी 10 बजे तक या नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे तक रहती है, आई डोंट रिमेंबर 24 आवर की 12 आवर की। तो उस सेल में कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लिटरली कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स निकालते हैं, लाइक इस टाइप के वो 20 टॉप्स निकाल देंगे सेल पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, जो पहले आओ पहले पाओ। तो ऐसा रहता है कि कुछ प्रोडक्ट्स निकाल देते कि इतने प्रोडक्ट्स सेल में रहेंगे और एक पर्सन केवल एक ही खरीद सकता है, उससे ज़्यादा वैरायटी नहीं रहती है। तो उसमें ये कुछ ऑफ पे चल रहा था और ये ऑलरेडी शायद कुछ हाफ ऑफ था प्राइस था, आई डोंट रिमेंबर कितना था। और उसके बाद मैंने इसके साथ मुझे जो भी ये सब खरीदना था ना, ये पूरा पाउच मैंने आपको दिखाया, तो मेरा जो भी विशलिस्ट था मैंने सब ऑर्डर किया और मैंने वो 3500 वाला ऑफर अप्लाई किया, तो मुझे इस पर डबल छूट मिली। और कैन यू इमेजिन, ये 890 का टॉप मुझे आई गेस 371 में पड़ा है। दो बार मैंने ऑफर लगाया इस पर। इसका साइज़ है एक्स्ट्रा स्मॉल, मैंने ऑर्डर किया है, इसमें 3 साइजेस अवेलेबल है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल एंड मीडियम। 4 कलर अवेलेबल हैं, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। तो मुझे ब्लू वाला कुछ डिफरेंट लगा, क्योंकि ब्लैक और वाइट इज समथिंग मैं हर किसी मंगाई ली थी, और ऑरेंज भी मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है, तो मैंने 2-3 टॉप ऑलरेडी ऑरेंज ऑर्डर कर लिए थे। ब्लू समथिंग जो मेरे पास नहीं था, सो आई थॉट कि मुझे ब्लू पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, सारे कलर ट्राई करने चाहिए, किसी कलर से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। तो मुझे ये अच्छा लगा इसका पैटर्न। और आप इंस्टाग्राम स्टोर पर ये टॉप लेने जाओगे ना, सो ये आपको मिनिमम 1500 का मिलेगा, मिनिमम, उससे कम नहीं मिलेगा। हर शॉप की अपनी रेंज होती है, कोई वही चीज़ 2000 में देता है, कोई 1500 में देता है, कोई 1200 में भी दे देता है, बट यहाँ मुझे ओनली 371 का पड़ा। द क्वालिटी इज़ रियली नाइस, मैंने पहन के देखा, मुझे फिटिंग रियली अमेजिंग फिट हुई, एक्स्ट्रा स्मॉल रिमेंबर। तो जो इसका एक्स्ट्रा स्मॉल है, उसकी रेंज है 28.3 बर्स्ट से लेकर 34.6 बर्स्ट। तो मुझे लगा कि ये मुझे हो जाएगा, ये मेरी ही रेंज में है, और ये मुझे लिटरली अमेजिंग हुआ है। माइनर स्ट्रेचेबल भी है, शायद इसीलिए है ताकि 34 वाले को भी आ जाए। तो यस, दिस इज इट। या अगेन, मटेरियल इज पॉलिस्टर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिस्टर आर दीज। हर प्रोडक्ट का मटेरियल टाइप पॉलिस्टर लिखा होता है, एंड ऑल आर दी डिफरेंट, मतलब हर प्रोडक्ट का आप टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा, दे ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। सो अगेन आई एम टेलिंग कि मुझे फैब्रिक का आइडिया नहीं है, मे बी
डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला वो लोग अप्लाई करते हैं, तो फैब्रिक कुछ नया बन के आता है पॉलिस्टर में. सो या दैट्स इट. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. आई एम द पर्सन हु इज़ वेरी पिकी. मैं बहुत ही ज़्यादा चूजी हूँ हर चीज़ को लेकर, तो मुझे इजीली चीज़ें पसंद नहीं आती हैं लिटरली. सो मैं मुझे हमेशा सिर्फ वही चीज़ बाय करनी होती है जो बहुत ही डिफरेंट या यूनिक दिखे. मैं नहीं सोचती कि अगर लोग सब ऐसा पहन रहे हैं तो मुझे क्यों वैसा, मैं सबके जैसे क्यों दिखूँ, मुझे कुछ डिफरेंट दिखना चाहिए. सो द थिंग इज सेम कि आई ऑलवेज ट्राई टू बाय समथिंग डिफरेंट पैटर्न, समथिंग न्यू काइंड ऑफ थिंग. सो आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की सारी चीज़ें, द कलेक्शन, द डिटेलिंग, प्लस देयर स्टाइलिंग एज वेल. सो ऑल्सो कहीं जाइएगा नहीं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. नेक्स्ट जो हॉल होने वाला है वो मेरा अर्बेनिक का ही ज्वेलरी हॉल होने वाला है, क्योंकि ये जो मैंने मटेरियल ऑर्डर किया उन सबके साथ मैंने सिर्फ क्लॉथिंग नहीं मंगाई थी, इस क्लॉथिंग के साथ मैंने ज्वेलरीज भी ऑर्डर की थी, क्योंकि हॉल बड़ा हो जाता तो मैं इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ. ये ओनली क्लॉथिंग हॉल है. नेक्स्ट हॉल में मैं आपके साथ मेरा ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ अर्बेनिक से ही, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग एंड नाइस कलेक्शन. आई होप आपको पसंद आएगा. सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो. सो मिलते अगले वीडियो में. बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.